एग्जीक्यूटिव मशीन है, एग्जीक्यूटिव एमएक्सी 10 kg का मशीन है, 1400 RPM में, ठीक है। तो इसमें जो है एट द टाइम आप जो है कपड़े डाल सकते हैं, 20 कपड़े अपन काउंट करते हैं, एक 10 पैंट और 10 शर्ट एक साथ आप डाल सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी में उसको कम ही डालने का, 1 kg कम रखने का, आपने जो है 9 शर्ट और 9 पैंट एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। 1 kg कम रखेंगे उतनी लाइफ मशीन की बढ़ती है, तो 1 kg कम रखने का, ठीक है। अभी यहां से आपने डोर ओपन कर दिया, डोर ओपन करके कपड़े डालने इधर से, ठीक है। ध्यान रखना रबर के ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, रबर के उस साइड कपड़ा रहेगा, ठीक है। रबर के ऊपर कपड़ा रहेगा, 3 चीजों की वारंटी कंपनी की तरफ से नहीं आती, रबर पार्ट, प्लास्टिक पास और फिजिकल डैमेज। रैक वगैरह डैमेज करता है इसकी वारंटी कंपनी देगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं देगा, कि प्लास्टिक पार्ट खराब नहीं होते, रबर पार्ट भी खराब नहीं होते, फिजिकल डैमेज होने की वजह से ही खराब होते, ठीक है। डोर को बंद कर दिया, डोर को खोलने का तरीका है 4 उंगली इधर पे रखना है और जो है अंगूठे से प्रेस करना है, खुल जाएगा। लेकिन आप ऐसा उसको डायरेक्ट खींचेंगे तो खुलता है, लेकिन थोड़ा आपको जो है ताकत लगाना पड़ेगा डोर, उससे बेटर है कि 4 उंगली आप यहाँ पे रखे और डोर को प्रेस किए खुल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे 3 चैम्बर बने हुए, 1, 2, 3, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर बोले तो आपने लिक्विड देना है, सेकंड में नील सॉफ्टनर डेटॉल वेनिश कंफर्ट वगैरह डालना है, ठीक है। उसके बाद रहेगा प्री वॉश, प्री वॉश बोले तो यहाँ से एक पानी आएगा, वहां से प्री वॉश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। धूल वाले कपड़ों के लिए यहाँ थोड़ा लिक्विड डालना पड़ता है, अदरवाइज डेली के लिए लिक्विड डालने की जरूरत नहीं, डेली लिक्विड यहीं पे आएगा। यहाँ पे आपका नील सॉफ्टनर डेटॉल वेनिश कंफर्ट वगैरह सेंट वगैरह जो एक्स्ट्रा में अपन देते, जैसे व्हाइट कपड़ों को नील देते वगैरह, उनके लिए यहाँ पे डालना है। प्री वॉश इधर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लगा दिया, आप लगाने के बाद में ये मॉडल जो है वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई मॉडल है तो ये ऑपरेट होगा, एक तो आपके मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाएगा ऐप के जरिए से, तो आपको माई IFB ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐप डाउनलोड किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अभी होम से आते अपन, अभी ये ऑलरेडी ऐप ओपन हो गया है, पहले शुरू आपको ये पूरी आईडी वगैरह बनाना पड़ता है, आईडी वगैरह बनाने के बाद में ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद में आपने क्या करना है, ठीक है, अभी ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे पहले शुरू तो होम रहेगा, होम में बोले तो आपकी जो है ये माहिती वगैरह रहेगा। आपने जाना है आपको एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए, यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्ट ऐड होए वाला है, अगर ऐड नहीं हुआ है तो स्कैन करके आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स बताएगा जो प्रोग्राम आपके वाईफाई से ऑपरेट होंगे, जैसा अभी यहाँ दे रहा है मिक्स कॉटन बेबी वेयर, ठीक है, एंटी एलर्जर, एक्सप्रेस वॉश, रिफ्रेश अप, ठीक है, स्पिन ड्रेन या रिंस, उसके बाद में देगा क्रेडल वॉश, यहाँ पे सिंथेटिक वूलन और एक्सप्रेस 50। तो ये चीजें आप जो है मैन्युअली यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ से भी आप मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ बहुत सारे दूसरे भी अंदर फंक्शन दिए हुए हैं जो आपके मेन्यू कार्ड में वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ड्राई वॉश, ड्राई क्लीन वॉश के लिए, कपड़े के लिए दिया है, बल्की बेडिंग के लिए दिया है, बेडशीट वगैरह के लिए, ड्रम क्लीन के लिए, टब क्लीन यहाँ दिया हुआ है, स्पोर्ट वेयर वगैरह, जीन्स के कपड़े, ठीक है, यूनिफॉर्म्स वगैरह, शॉर्ट शॉर्ट है उसके लिए भी अलग से, पावर स्टीम के लिए फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखना है, जैसा पहला मतलब आता है आपका मिक्स, मिक्स बोले तो डेली के आपके कपड़े रहेंगे, तो इसमें पॉलिस्टर कॉटन वगैरह पूरा आ जाएगा मिक्स में, ये ऐप के जरिए से ऑपरेट होने वाले फंक्शन है, ठीक है। वैसा आप डायरेक्ट यहां से भी ऑपरेट आप कर सकते हो बटन से भी, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ स्पेशली ऐप के हिसाब से ऑपरेट होने के लिए स्पेशली ये है आपके जो स्पेशल लिखा हुआ है वहां पे, तो ये यहां से ऑपरेट करेंगे, ओके आपने दबाया, ओके दबाने के बाद में यहां से आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते से आपका डोर लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप चाइल्ड लॉक वगैरह भी कर सकते हो, बटन को क्लिक करेंगे चाइल्ड लॉक हो जाएगा, चाइल्ड लॉक बोले तो आपने मशीन को लॉक कर दिया, बच्चे वगैरह फिर उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, हाथ लगाए तो ऑपरेट नहीं होगा। और यहां से पॉज करना है तो यहां से आप पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद डायरेक्ट स्विच ऑफ करना है मशीन को तो स्विच ऑफ भी यहां से आप कर सकते हो, ठीक है, स्विच ऑफ बोल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया अपन ने, डिस्प्ले पूरा मशीन का जो है वो बंद हो जाएगा।
अभी ऑन करना है, वापस उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहां से यस करेंगे, यस करेंगे ना तो मशीन जो है डिस्प्ले वगैरह सब ऑन हो जाएगा। कोई भी फंक्शन लगाना है, उसमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसा आप फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से ओके किया आपने, ओके करने के बाद में यहाँ दे रहा है देखो एक्स्ट्रा रेंज अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है स्पिन की स्पीड आपकी 1000 है, उसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर स्पीड है तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा। अभी यहाँ दे रहा है कि मशीन तो आपका 1400 RPM का है, लेकिन यहाँ 1200 RPM ही शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, तो यहाँ पे ध्यान देने का, जितना RPM दिया है कंपनी ने फिक्स किया है उसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐप वगैरह में जो भी होता है वो पूरा फिक्स होता है, 1400 RPM बोला तो 1400 RPM पूरा नहीं लेगा। अगर ज्यादा RPM हुआ तो कपड़ा फटने के चांस रहते हैं, तो वो जो है RPM सिलेक्ट रहते हैं कि 1200 के ऊपर मशीन बढ़ेगा नहीं। हाँ, कॉटन वगैरह में आप जाओगे, जैसा अभी यहाँ पे देखो कॉटन का फंक्शन में जाता हूँ, ठीक है, कॉटन के फंक्शन में जाता हूं, तो देखिए कॉटन में आ गया मैं, अभी कॉटन में आ गया, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में मैं यहाँ स्पीड बढ़ाता हूँ तो सीधा 1400 RPM आपको यहाँ बताएगा। क्यों बताएगा? कि इसमें अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। तो आप 1400 RPM सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ओके करेंगे वो चीज इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद टेम्परेचर भी आप यहाँ 40 से डायरेक्ट 95 डिग्री तक लेके जा सकते हो, ठीक है। ये होगा ऐप में। अभी इसमें आता है और आता है इको, इको बोले तो ज्यादा देर तक मशीन ऑपरेट होगा, तो इको में आपने क्या किया, इको 40 और इको 60 दोनों दिया हुआ है, तो इको पे जाएंगे तो ज्यादा देर मशीन चलेगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ेगा, उसके हिसाब से मशीन काम करेगा। इको बोले तो आपका टाइम बचाएगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऐप से ऑपरेट करने के लिए। अभी पहला फंक्शन आपका मिक्स है, मिक्स बोले तो डेली के कपड़े, उसके बाद कॉटन है जो आपके कॉटन के कपड़े रहेंगे, डेली डेली चेंज करने की जरूरत नहीं, मिक्स में सब कपड़े आ जाएंगे, पॉलिस्टर कॉटन जींस वगैरह पूरा आ जाएगा। उसके बाद बेबी वेयर बच्चों के कपड़े, उसके लिए भी यहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ से जो भी चेंजेस करना किया और आपने स्टार्ट कर दिया। एक बार यहाँ पे देखो, और एंटी बैक्टीरिया या एंटी एलर्जर प्रोग्राम, एंटी एलर्जर बोले तो दवाखाने वगैरह वाले कपड़ों के लिए, जैसा किसी को एलर्जी है, किसी की तबीयत खराब है, उनके लिए फंक्शन ऑपरेट होता है। उसके बाद एक्सप्रेस 30 बोले तो आपको 30 मिनट में कपड़े धोके दे देगा, कम गंदे कपड़ों के लिए दिया हुआ है, जैसा आधा एक घंटा पहने हुए कपड़े, ज्यादा गंदे कपड़े रहते इसमें वॉश नहीं होगा कि, तो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद रिफ्रेशअप, बहुत दिन से कपड़े उठा के रखे रहते, सिर्फ धूल वगैरह निकालना है, उसके लिए इसका यूज होता है रिफ्रेशअप का। उसके बाद दिया है स्पिन और रिंस, दोनों दिया है उसमें, स्पिन ड्राई और रिंस, तो यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हो। स्पिन करना है सिर्फ कपड़े को सुखाना है, उसके लिए आप ये फंक्शन का यूज करना है। आपने जैसा बाहर धो लिया है आपने सुखाना है, या फिर बारिश आ गई कपड़े वगैरह भीग गए आपने सुखाना है, उसके लिए फंक्शन आएगा। कैडल वॉश नाजुक कपड़े वगैरह के लिए दिया हुआ है, जैसा अभी सिल्क वगैरह वाले कपड़े थोड़े नाजुक रहते हैं, वर्क वाले वगैरह कपड़े, तो वर्क वाले कपड़े के लिए तो एक बैग आता है, पिशवी आती है IFB की, वो बैग में डाल के आपको धोना पड़ता है। इसमें कपड़े धो सकते हैं आप ड्राई क्लीन के, कौन से फंक्शन में धोना है, कैडल वॉश में, लेकिन उसका एक अलग से बैग आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। सिंथेटिक वगैरह के कपड़े है तो सिंथेटिक में आप डाल सकते हैं, ठीक है। वैसा तो मिक्स में आपका सभी ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन नाजुक वगैरह कपड़े है तो इधर ही डालना है। जैसा वर्क वगैरह वाले कपड़े तो क्रेडल में, और सिल्क वगैरह वाले सिल्क में डालना है। उसके बाद दिएगा उलन, उलन बोले तो आपके सर्दी के कपड़े, तो उलन भी उलन के जगह पे आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उलन बोले तो जो भी आपके सर्दी के कपड़े रहेंगे उलन में डाल देने। उसके बाद में रहेगा एक्सप्रेस वॉश, कम गंदे कपड़े, तो एक्सप्रेस 30 था ऊपर, ये 50 है, 15 मिनट के लिए ऑपरेट होगा, 15, ठीक है, 15 मिनट के लिए चलेगा। तो इसमें उतना खास आपका ऑपरेट नहीं होगा, खंगाल के अगर कपड़े लेना है तो इसमें ले सकते, सिर्फ खंगाल के सुखा देना है तो, ठीक है। अभी ये तो हो गए फंक्शन अपने, यहाँ पे भी बहुत सारे वही फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा बल्की बेडिंग है, डार्क वॉश है, टफ क्लीन है, तो टफ क्लीन तो यहाँ पे अपन करते ही नहीं है, टफ क्लीन आपका कॉटन में ही आएगा, ठीक है। टफ क्लीन आपने कॉटन में ही करना है। जींस वगैरह का कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह है, पावर स्टीम है तो पावर स्टीम में आके यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो वो पावर स्टीम करेगा, ठीक है। इनरवेयर के वगैरह तो ये तो फंक्शन है ऊपर में ही दिया हुआ है, ये अलग धोने की जरूरत नहीं है, इतना अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो अपना टाइमिंग वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आपका जो है सब पूरा ऑपरेट हो जाएगा, मिक्स में आपका सब आ जाएगा, कॉटन पॉलिस्टर जींस वगैरह इनर
वो आपके पूरे मिक्स में आ जाएंगे, छोटे बड़े कपड़े सब मिक्स में आपके ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की ओर। ये तो आप अन देख रहे थे कि मोबाइल ऐप से कैसा ऑपरेट करते हैं, अभी अपन डिस्प्ले पे देखते हैं। बाकी सब फंक्शन पूरे डिस्प्ले पे दिए हुए हैं, जो फंक्शन मैंने आपको वहां बताया हुआ वो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो आपका मोबाइल से ऑपरेट कर रहे थे, यहाँ से मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए दिया है। जहां पे लाइट आ रहा है वो प्रोग्राम आपका लगना है। ठीक है, तो आपने ऑन कर दिया, पहले तो डिस्प्ले ऑफ रहेगा। ऑन करने के बाद में यहाँ से ऑन किया, ऑन होने के बाद में यहाँ पे देखो मिक्स डेली लिखा है और स्टीम के जितने निशान है यहाँ से आप भी एक्टिवेट आप स्टीम कर सकते हो। वो कैसा करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले शुरू रहेगा मिक्स। मिक्स बोले तो मैंने बताया आपको ऐप में अपन ने देखा है कि डेली के कपड़ों के लिए। अभी इसमें अगर सेटिंग करना है आपने तो क्या करना है, ऑप्शन के बटन को क्लिक करना है। जो भी चीज अभी ये एक यहां से लेके यहां तक पूरे स्टीम के फंक्शन है। स्टीम बोले तो बैक्टीरिया वाले कपड़े के लिए आएगा, दवाखाने वगैरह वाले कपड़ों के लिए। ठीक है, तो एक्टिवेट करना है तो कहां से करेंगे, यहां देखो ऑप्शन में जाना है। यहां पे देखो प्री वॉश मैंने बताया था आपको, जो पहले शुरू यहां से देना रहता है वो प्री वॉश का मैंने बताया था, वो एक्टिवेट यहां से करना है आपने। ठीक है, प्री वॉश कैसे एक्टिवेट करना है, ऑप्शन पे क्लिक किया, स्थिर हो गया, जो चीज स्थिर हो गया वो एक्टिवेट होना है। ठीक है, स्थिर है, अभी मैंने क्लिक किया, ये हो गया स्थिर, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे नहीं जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला होगा प्री वॉश। प्री वॉश बोले तो आपने जो धूल वगैरह वाले कपड़े है उसके लिए। उसके बाद रहेगा यहाँ पे आपका सोकिंग, कपड़े को भिगा के रखना है। उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए सिलेक्ट करना है आपने, एक्टिवेट हो जाएगा, कपड़े को भिगा के रखना है उसके लिए। ठीक है, सोकिंग हो गया। उसके बाद है एक्स्ट्रा रिंस, एक पानी ज्यादा खंगालने के लिए आपको चाहिए तो यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टीम। स्टीम हर प्रोग्राम में एक्टिवेट नहीं होता, ध्यान देना। अभी इधर के फंक्शन में आ गया मैं, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ स्टीम ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। जहां अबर वाला निशान आता है वहां पे स्टीम एक्टिवेट होगा। ठीक है, देखो जहां जहां अबर है वहां पे स्टीम लिख के आ रहा है, जहां जो चीज इसमें एक्टिवेट नहीं हो सकती वो लिख के नहीं देगा। ठीक है, तो फंक्शन में अभी आपको एक मिक्स में करना पड़ता है, टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा, डायरेक्ट आप स्टार्ट भी किए तो चलेगा। इसमें एक और एक चीज कर सकते हैं टाइमिंग कम करने के लिए, तो आपने क्या करना है, स्टीम एक्टिवेट करना है तो स्टीम एक्टिवेट होगा, चार बार दबाए तो। उसके बाद रहेगा डिले टाइम, मेट्रो सिटी वाला ऑप्शन है, अपने पास यूज नहीं होता। जैसा मशीन को आपने कितनी देर के बाद स्टार्ट करना है, अभी तो आपने मोबाइल से अगर ऑपरेट करना है तो कहीं से भी आप कपड़े वगैरह डाल के चालू कर सकते हैं, लेकिन पावर वगैरह पूरा ऑन रखना है आपने। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, डेली पे ले लिया। ठीक है, डिले टाइम बोले तो मेट्रो सिटी का ऑप्शन है, अपने पास यूज में नहीं आता ज्यादातर। अगर जैसा आपने 4 घंटे कहीं बाहर जाना है, 4 घंटे का टाइमिंग यहाँ से दे दिया, सिलेक्ट के बटन से ही टाइमिंग आपने आगे बढ़ाना है। अभी मैंने 4 घंटे का टाइमिंग अगर दे दिया तो मशीन जो है यहाँ से 4 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं डिले टाइम। सेम अपना अलार्म जैसा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा यहाँ पे टाइम सेवर। टाइम सेवर का एक मीनिंग है, जैसा आपने टाइमिंग को कम करना है तो कम कैसा कर सकते हैं, यहाँ से आप दबाते जाना है, जो चीज स्थिर हो रहा है उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो अब ये अपन टाइम सेवर स्थिर हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे टाइमिंग कम हो गया। ठीक है, जहां 1 घंटा आ रहा था वहां से थोड़ा और टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉटन है, तो आपके कॉटन के कपड़े आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो आपके मोबाइल पे भी आपको बताया कि कॉटन के कपड़ों के अलग जाने की जरूरत नहीं है, मिक्स में सभी आपके आ जाएंगे। बेबी वेयर बच्चों के कपड़े भी आपने मिक्स में ऑपरेट आप कर सकते हैं, मिक्स बोले तो आपने सब तरह के कपड़े आ जाएंगे। एंटी एलर्ज, दवाखाने वगैरह वाले कपड़े तो यहाँ पे आपने डाल देना है, जो आपको मैंने फंक्शन में बताया। एक्सप्रेस वॉश 30 है, ये 30 मतलब 30 मिनट के लिए ऑपरेट होगा, तो वो आपको बताया कम गंदे कपड़ों के लिए आएगा। रिफ्रेश अप, जैसा बहुत दिन से कपड़े उठा के रखा है, सिर्फ आपने कपड़े में से धूल वगैरह निकालना है, उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। जहां जहां लाइट आ रहा है वो प्रॉब्लम लगेगा। स्पिन ड्राइव में आपने जो है एक रिंस अगर लेना है तो यहां से एक्टिवेट करना पड़ेगा जाके एक्स्ट्रा रिंस में से। ठीक है, रिंस यहां से एक्टिवेट हो सकता है। स्पिन में क्या होगा, पानी आएगा, खंगाल के आओ सुखा देगा। ठीक है, स्पिन रिंस में। उसके बाद रहेगा यहाँ पे क्रेडल वॉश, नाजुक कपड़ों के लिए मैंने बताया कि आपको यहीं पे डालना पड़ेगा, जैसे वर्क वाले वगैरह कपड़े हैं उसके लिए एक बैग आता है, वो बैग के बैग में डाल के आप इसमें डाल सकते हो। सिंथेटिक, साड़ी वगैरह के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हो, सिंथेटिक के कपड़े वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। उलन, सर्दी वाले कपड़े, उलन में बोले तो आपने उलन के कपड़े वगैरह पूरे आ जाएंगे। और उसके बाद है एक्सप्रेस 15 मिनट वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है सिर्फ कपड़े खंगाल के ले लेगा। उसके बाद अपना होम आ गया, माय होम बोले तो डायरेक्ट मोबाइल से आपका ऑपरेट होगा। ठीक है, ये तो रह गए अपने फंक्शन। ठीक है,
अभी अपन देखते हैं इसके अंदर में, इसकी बहुत सारी चीजें आपको रखी दिख रही है ऊपर, ठीक है, लिक्विड वगैरह बहुत सारी चीजें आपकी रहेगी, यह आपने डेली यूज में आएगा, ठीक है। अभी पहले शुरू देखते हैं अपन लिक्विड, तो ये फ्लब आता है, लिक्विड बोले तो आपने जो है डेली डालना है, डेली कहां से डालेंगे, फर्स्ट चैम्बर से, ठीक है। अगर आप मार्केट का लिक्विड यूज करते हैं तो कम से कम आपने डालना पड़ेगा एक 70 से 80 ml, वही आपका आईएफबी का लिक्विड आप यूज करते तो 40 ml में काम करेगा, 40 ml बोले तो 2 कप डालना है इसके, ठीक है। ये 20 ml का ढक्कन है, ये आपने 2 कप डालना है फुल लोड पे, तो इसमें क्या होगा आपका पानी वगैरह प्रॉपरली अगर आता है तो आसानी से पानी में मिक्स हो जाएगा, इसमें कास्टिक सोडा नहीं आता है, ठीक है। बाकी आप लिक्विड लेंगे उसमें कास्टिक सोडा आएगा। उसके बाद में आप सॉप, ये सभी कपड़ों को आप यूज कर सकते हैं, जैसा व्हाइट कपड़े हो गए, ब्लैक कपड़े हो गए, या वुलन के कपड़े हो गए, सबको आप इसको यूज कर सकते हैं, टॉवल वगैरह हो गई। मार्केट का लिक्विड आपको अलग अलग यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आप फोन करेंगे घर पोस्ट लाके आपको दे देंगे। इसका फायदा ये है कि आपने ये पानी की हार्डनेस के हिसाब से काम करता है, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं अपन, ये है प्रोटेक्टा, प्रोटेक्टा बोले तो मशीन को सेफ करना है, तो ये स्टील ड्रम जो है इससे सेफ हो जाएगा, जैसा भी ज्यादा हार्डनेस रहता है तो मशीन खराब होने के चांस है, तो क्या करना है डेली एक टाइम धोते टाइम एक ढक्कन डालना है आपने, एक ढक्कन डालेंगे पानी में अगर हार्डनेस रहेगा उसको क्या करेगा डाउन कर देगा, तो बोरवेल वगैरह के लिए ये यूज आपने करना है, अगर आप कॉर्पोरेशन का पानी यूज करते तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ढक्कन डालना है लिक्विड के साथ मिक्स करके, कपड़े पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिक्विड लिक्विड का काम करेगा और ये पानी का हार्डनेस कम करने का काम करेगा। उसके बाद है ये सेंट वगैरह, तो आपने ये इतना ढक्कन डालना है, ठीक है, ये सेंट के लिए, तो जैसा भी अपन सेंट ज्यादातर देते हैं, उलन के कपड़े हो गए, पर्दे वगैरह हो गए, बेडशीट होगा, इसको अपन सेंट देते हैं, तो आपने ये ढक्कन भर के यहाँ पे डालना है सेंटर वाले चैम्बर में, ठीक है। पहले तो आपका रहेगा लिक्विड का, और दूसरा रहेगा ये जो सेकंड वाला चैम्बर है वहां पे आएगा ये आपका सेंट डालना है, जैसा नील सॉफ्टनर डेटॉल वाइनिश कंफर्ट, तो लास्ट में यहां से ले लेंगे, लिक्विड डालते टाइम ये भी डाल देना है, ठीक है। एक ढक्कन डालना है और वो जो है ऑपरेट हो जाएगा। ये सिर्फ ओनली सेंट के लिए आता है, इसका नाम सेंसोरा है, ठीक है। ये पूरा कंपनी का प्रोडक्ट है, मार्केट का कुछ भी नहीं। ये है फेबो, दाग निकालने के लिए, जैसा कॉलर कफ के दाग अपने नहीं निकलते, ऐसा लगता कभी कॉलर कफ अपनी नहीं निकल रही, उसके लिए इसका यूज कर सकते, या अपने दाग वगैरह लग गए कपड़े को उसके लिए भी इसका यूज कर सकते। ओपन करने का, ओपन करने के बाद में जहां दाग लग गया इसको शेक करके दाग पे लगा देने का, आधे घंटे के लिए मशीन कपड़ा बाहर डाल देने का, उसके बाद मशीन में डाल देने का, तो निकल जाएगा। ये कॉलर कफ कॉलर के लिए भी इसका यूज आप कर सकते, दाग 100% निकलेगा, पानी लगना नहीं चाहिए, दाग को अगर पानी लगा तो नहीं निकलेगा, थोड़े देर 3-4 वॉश के बाद में निकलेगा, ठीक है। ये है दाग के लिए, जो चॉकलेट का शही का वगैरह सब दाग इससे निकल जाएगा। उसके बाद ये है क्लीनिंग पाउच, क्लीनिंग बोले तो मशीन आपने साफ करना है, हर 3 महीने में एक बार आपने साफ करना है, कॉर्पोरेशन का पानी है 4 महीने में, और आपका अगर बोरवेल का पानी है तो 3 महीने में, 3 महीने में क्लीन करने का, ड्रम में डालने का, पूरा मशीन क्लीन होके निकल जाता, ठीक है। तो यह है आपका डीस्केलिंग, मशीन को साफ करने के लिए, डायरेक्ट आपने इधर इसको फाड़ना है और सीधा ड्रम में डालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये विदाउट कपड़े डालना है, कपड़े अगर डालेंगे तो इसमें कपड़े फट जाएंगे, केमिकल आता है, क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी फुल रहेगा, ये वन टाइम यूज है, एक बार पैकेट अगर फट जाता है तो उसका एयर कॉन्टेक्ट में इसका जो है जो पावर है वो कम हो जाएगा एयर की वजह से, ठीक है। और ये है कवर, ठीक है, कवर बोले तो मशीन पे डस्ट और वाटर प्रूफ के लिए देते हैं अपन, ठीक है, इसमें पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, उसके लिए अपन ऊपर से कवर लगाते हैं, या तो फिर डस्ट वगैरह है उसको ये करने के लिए अपन कवर लगाते हैं, ठीक है। अपन देख रहे थे एग्जीक्यूटिव MX 10 kg का मॉडल है 1400 RPM में।